हाय गाइस, बैक इन द न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ एक आयरन फॉर्म। तो मैं अभी जल्द से जल्द आपको आयरन फॉर्म दिखाता हूँ। तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो वो सब मैंने चश्मा पहले आप देख सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट लिया है जी, तो आप कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हैं कॉन्क्रीट की जगह, और कुछ ग्लासेस भी आपका मन, आप कैसे ग्लासेस लेंगे, कलरफुल लेंगे कि विदाउट कलरफुल लेंगे। और आपको चाहिए तीन बेड, तीन उन लोगों के लिए आप रेंडमली कोई भी वर्क स्टेशन ले सकते हैं, हमने लूम लिया है उन लोग के लिए, और नेम टैग लेना पड़ेगा। और तीन ग्लेजर चाहिए, इतने मटेरियल से बन सकता है। ये सबसे ईजी वाला मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। और ये जैसा कि आपको यहाँ पे 20 ब्लॉक्स अप जाना है, हमने दो ब्लॉक्स अप कर लिया है, तो हमें ऐसे करके 20 ब्लॉक्स लेना है। मैं तो आपको 20 ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे 20 ब्लॉक्स अप कर लिया है, और ये जो 20 नंबर ब्लॉक है इसको हमने अलग कलर किया, आपको भी अलग कलर ही करना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाओगे कि ये वाला 20 नंबर का ब्लॉक है। तो आपका जिस साइड घर है उस साइड आपको तीन ब्लॉक लगाने हैं, मैंने ज़्यादा कहा दो ब्लॉक लगाने हैं तीन में, और जिस साइड आपका और बाकी तीनों साइड आपको पाँच ब्लॉक करके लगाने हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों ही तीनों ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको पाँचवें ब्लॉक के ऊपर जाना है, और ऐसे कुछ पाँच नहीं पाँचवें ब्लॉक के हाँ पाँचवें ब्लॉक के ऊपर आपको ऐसे ब्लॉक लगा के इधर आपको और पाँच ब्लॉक इस साइड पाँच ब्लॉक लगाना है, और दूसरे साइड भी आपको सेम उसी तरीके से पाँच ब्लॉक लगा देने हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको दो ब्लॉक हम लगाए, तो इधर आपको तीन चार मैं यहाँ पे चार ब्लॉक आपको पीछे कर लेने पसंद कर रहा हूँ। सेम अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको नहीं मिल आयरन फॉर्म आपको वर्क नहीं करेगा। सेम टू सेम मैं जैसा कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करते जाना है, तभी आपका आयरन फॉर्म वर्क करेगा। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ ये वाला डिज़ाइन। आपको कुछ इस तरीके से करना है, मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट यूज़ किया। आपको आपका मन आप कौन सा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सर्वाइवल में खेल रहे हैं आपका मन आप कौन सा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लॉक से कुछ नहीं जाता है। आपको बस इसी तरीके से बनाना है, और पीछे की तरफ एक और ब्लॉक लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इस तरह से ब्लॉक लगा देना है, और इसको चारों साइड से एक कवर अप दे देना है कुछ इस तरीके से, और नीचे की तरफ भी आपको सेम टू सेम करना है कुछ इस तरीके से। आपको कर देना है आपको पीछे का साइड ये मैं स्क्रीन कर देता हूँ, तो मैं दिन कर दिया, अभी मैं पूरा कंप्लीट। तो इधर देख सकते हैं अपना इधर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको ग्लेजर्स को रखना है, ग्लेजर्स को आप नीचे भी रख सकते हो ऊपर भी रख सकते हैं। आपको मैं नीचे रखने का नीचे देखिए, मैं तो अभी ऊपर तो मैं इधर ऊपर में देने वाला हूँ, तो मैं बताना भूल गया कितने का करना है। तो सीधा आपको एक दो तीन चार चार ब्लॉक कर लेना है, उसके बाद आपको ग्लासेस लगाने हैं चार और एक ब्लॉक पाँच ब्लॉक आपको ऊपर कर देना है। उसके बाद इधर ग्लास लगा देते हैं कुछ इस तरीके से पाँच ब्लॉक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको और दो ब्लॉक आपको कर देना है, उसके बाद फिर से इसी तरीके से ग्लास लगा देना है। अगर आप नीचे करते हैं तो भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से यही करना पड़ेगा, ऊपर करते हैं तो भी यही सेम ये प्रोसेस है। तो डरने की कोई बात नहीं है, तो ये मैंने गलत लगा दिया है, नहीं नहीं ये सही है, ये वाला सही है, तो मैंने गलत कर रहा है। इधर मैं एक छोड़ देता हूँ एक ब्लॉक, उसके बाद मैं इधर एक ब्लॉक से ही दो ब्लॉक करूँगा, और उसके बाद मैं इधर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, और मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। आप कुछ इस तरीके से करके चेक कर लेना है कि आपका जमीन लगेंगे जिससे नीचे नहीं हो जाए। तो इस तरीके से आपको ज़ॉम्बी को रख सकते हैं, मैं जैसे ज़ॉम्बी को ले आता हूँ, तो कहा गया इधर रहा ज़ॉम्बी, तो एक कास्ट से कुछ नहीं जाने वाला मेरा, और हाँ बात कर लेता हूँ मेरे ज़ॉम्बी मर जाएगा। तो मैंने लगा दिया कुछ नहीं हुआ, आपको उसको छाव में रखना है, हम जैसे अपने ब्लेजर का प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तीन ब्लॉक नहीं मैंने दो ब्लॉक लिया, तो आपको कुछ इस तरीके से पूरे तीन ब्लॉक लेना है, जैसे नहीं देना आपको भी ऐसे करना है। और इधर बस मेरा लूम लूम तो मैंने लूम लगा दिया है, उसके ऊपर एक कांच रख देते हैं, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। और एक बेड ले लेते हैं, और भी ले लेना एग, मैंने ब्लेजर को भी
ऑन करवा दिया है आपको कुछ मतलब आपको भी इसी तरीके से करना है इसकी मुंडी आ जाएगी इसमें नहीं होगा और इधर से मैंने इसको भी कवर अप कर दिया है ताकि ये कुछ होने लगे इसको भी कुछ होगा नहीं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको तीनों विलेजर्स को इसी तरीके से रखना है तो मेन तीनों विलेजर को देते हाँ तो मैंने थर्ड विलेजर को स्पॉन नहीं करवाया क्योंकि थर्ड विलेजर को स्पॉन नहीं भी कर देंगे तब कुछ नहीं होगा लेकिन आप दे देना कुछ ज़्यादा फास्ट वाला यूज करना है नहीं इसको मैंने नहीं दिया और एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखाया दिया नहीं वो है आपको वाटर बकेट चाहिए तो मैं आपको कुछ कुछ देने पड़ेंगे पूरे में ताकि पूरे लाइन में तो ये 8 ब्लॉक्स तक आप मैंने पूरी कैलकुलेशन कर लिया कि ये वाला पानी क्या देने पड़ेंगे 8 ब्लॉक से और आपको ये नीचे वाले ब्लॉक से देना है क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक से भी काम है और आयरन गोलम स्पॉन होने के बाद इधर मरेगा उधर आपको दो चेस्ट और कुछ हॉपर्स लावा और साइन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो जैसे मैं उसके नीचे गिरने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूँ तो उसके नीचे गिरने का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके का होगा कि उसका आप सीधा एक ब्लॉक नीचे कर दीजिए और एक ब्लॉक कितने एक दो तीन ब्लॉक लिखते हैं तो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है तीन ब्लॉक तो छः ब्लॉक हो जाएंगे तो तीन ब्लॉक हो गया आपको दो ब्लॉक कर देना है जैसे मैंने दो ब्लॉक किया है उसके बाद आपको इससे कवर कर देना है ताकि बॉलम पीछे की तरफ ना चला जाए और ये भी दोनों साइड इस तरीके से ही कर देना है उधर भी हम लोग एक ब्लॉक अप कर देते हैं कुछ इस तरीके से एक और ब्लॉक लगा देते हैं क्या आ जाएगा तो उतना ही कम रिसोर्सेस होगा जितने कम इसको आपको एक ब्लॉक के नीचे रखना है और इस तरीके से आपको भी कर देना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको भी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं सिर्फ ब्लेजर्स को आप ऊपर रख सकते हैं या फिर नीचे रख सकते हैं और आप जितने ज़्यादा ब्लेजर रखेंगे उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड बढ़ेगा अगर आपको ज़्यादा ब्लेजर रखना है तो मैं आपको भी दिखा दूँगा इसी वीडियो में तो इधर ये अपना काम कम्प्लीट हो गया इधर से हम दूसरे ब्लॉक का यूज़ करेंगे जो कि है कोबलस्टोन दूसरे ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं तो इधर से हमें दो ब्लॉक नीचे करना है और इधर एक ब्लॉक बढ़ा देना है और इसको इधर से कवर अप कर लेना है ताकि लावा नीचे गिर ना जाए और इसको हम इधर पीछे भी एक और ब्लॉक करेंगे इस कवर स्टोन का जो आप लाइन दिख रहा है इसी में मरने वाला है अपने ब्लेजर नहीं गोलम इसको हमें आपकी मर्जी आप कितने ब्लॉक इसको नीचे रखेंगे तो मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनाया हमने अपना ब्लेजर्स का मरने का तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मैंने इसलिए थोड़ा सा और इसको सामने की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे तो दो ब्लॉक में इधर से बढ़ा देता हूँ तो बढ़ा लिया तो एकदम जो नीचे का साइड है उधर ये स्पॉन होंगे अपने मतलब स्ट्रक दिया है और अभी हॉपर्स को कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ आपको क्राउच करके हॉपर को ऐसा नहीं नीचे नहीं लगना चाहिए ये और उसके बाद आपको सारे हॉपर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं करा हो जाए तो लग जाए उसको छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है और इधर नहीं और आपको चेस्ट के ऊपर कांच से कवर करना है ताकि चेस्ट खुले नहीं तो चेस्ट नहीं खुलेगा और भी सामने का साइड कवर कर देना नहीं तो लगा अगर नीचे गिर जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो गया तो अभी साइन बोर्ड का मैं यूज़ करता हूँ तो साइन बोर्ड को आपको दो ब्लॉक अप लगाना है क्योंकि आयरन गोलम तीन ब्लॉक का होता है तो मैंने एक ब्लॉक तो मेरे ऐसे करके लगा दिया है अब एक प्रकार से लगा देना है और इस प्रकार से पूरा कवर कर लेना है ताकि लगा एक जाना है ये तो आपका डल सकता है इस तरीके से तो अभी आटे नहीं देगा ये हो गया आपको फिर अगर साइन बोर्ड लगा देना तो लावा नीचे निकलेगा तो इधर मैंने लावा लगा दिया है तो मैंने कुछ कम नहीं किया था इसलिए नहीं हो रहा है तो ऐसा हमने लावा लगा दिया है तो अभी इधर भी एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा ताकि तो इधर भी हमने साइन बोर्ड लगाना लगा मतलब कमी नीचे की जगह तो लावा ऑक्सीजन में कमर हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको करना है देखिए आपको इस तरीके से आपको कर देना है तो अभी हम लोग लेते हैं अपना वाटर बकेट लास्ट का मटेरियल है और आप लोग सोचोगे कि अभी तक एक बार ऑन नहीं हो रहा तो ये रहा
और ये हो गया अपना काम। अब मैं दिखा देता हूँ कॉलम, बस कॉलम किसी एक में उसके बाद ऐसे करके जाएंगे, जाते ही रहेंगे और मैं आपको ऐसे करेगा तो कोई बगलगा पैसे के लिए गिर के मर जाएंगे और हम लोग खुला पैसा नहीं करेगा आपके लिए, इधर कुछ नहीं होने वाला। और अभी थोड़ी देर में रात होगा उसके बाद से गोलम स्पॉन होना स्टार्ट होगा, तो हम रात तो मैं तो देखा गोलम स्पॉन हो चुका है, ये जा है और ये ठीक से वर्क भी कर रहा, तो ये रहा और मैंने दो पेजेस लगाया इसलिए थोड़ा स्लो होगा, तो ये देखिए आइए मर रहा। हाँ तो गाइस जैसे कि आप तक देख सकते हैं प्रायर सब कंप्लीट हो चुका है और ज्वाइलर गोलम भी आके मर चुका है, मतलब मर चुका नहीं मर रहा है, तो ये देखिए तो आयरन इधर आ ही गया, तो इधर अपना आयरन फार्म कंप्लीट है और ये पे तो ये दो भी विलेजेस की वजह से थोड़ा स्लो है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है दूसरी वाली वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉप कौन सी चीज़ पर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए। तो बाय, और इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 1 लाइक्स का।